क्या आपके कमर में दर्द होता है? क्या आपको घुटने के पीछे दर्द होता है? क्या आपको उठने बैठने में दिक्कत होता है? क्या आपको सियाटिका हो गया है? हाँ, तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको सियाटिका के बारे में सारी जानकारी दूंगा और साथ में इसके सिम्टम्स, काउज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मैं हूँ भानु प्रताप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज सियाटिका। तो सियाटिका एक नर्व का नाम है जो कि कमर के पिछले भाग से एड़ी तक गई हुई रहती है और उसमें किसी कारणवश कोई परेशानी हो जाती है, जैसे कि ठंड लग जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश में भीग जाते हैं तो उसके कारण उसमें दर्द होने लग जाता है, तो उसी को हम सियाटिका पेन कहते हैं। यह समस्या एक आम समस्या है जो कि 100% में से लगभग 40% इंसान को हो जाया करता है। और अगर आपको हो गया है तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको होम्योपैथी की 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसका प्रयोग अगर आप 1 से 3 महीना कर लेते हैं तो सियाटिका की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम इसके काउच के बारे में। तो इस डिजीज को होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बारिश में भीग जाते हैं या फिर गीला कपड़ा पहनते हैं, गीले जगह पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, या आपको बार बार ठंडी असर कर जाता है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जैसे कि स्टूल सूख करके इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है और स्टूल पास नहीं हो पाता है, अगर आपको बार बार डिलीवरी के समय ऑपरेशन कर दिया जाता है तो उससे भी साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है, अगर आपके यूट्रस या ओवरी में कोई सिस्ट हो गया है, ट्यूमर हो गया है तो उसके कारण भी साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है, तो इन सभी कारणों से सियाटिका की समस्या उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इस डिजीज को हो जाने के बाद सबसे पहले कमर में हल्का सा दर्द स्टार्ट होता है और उसके बाद वह दर्द कमर के पिछले भाग से नीचे एड़ी तक चला जाता है और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा बैठ जाते हैं और बैठ करके उठ के चलना चालू करते हैं तो पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचन होती है, साथ में सुई के गड़ने जैसा दर्द का अनुभव होता है और दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा तेज होता है कि इंसान का हिलना डुलना तक मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रात में इतना ज़्यादा तेज अचानक दर्द बढ़ जाता है कि इंसान अपने पैर को सीधा तक नहीं कर पाता है, हिला डुला तक नहीं पाता है। उसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो यही इसके सिम्टम्स हुए। तो घबराइए नहीं, चलिए जानते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहली मेडिसिन का नाम है रस्टक्स क्यू पावर। इसे 10-10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल कर लें। अगर आपको ठंडी असर कर जाता है, बार बार बारिश में भींग जाते हैं तो उसके कारण पेन होता है तो उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन का नाम है गॉल्थेरिया क्यू। इसे भी 10-10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल कर लें। अगर आपके कमर के पिछले वाले भाग में दर्द होता है तो उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी मेडिसिन का नाम है कोलोसिंथ क्यू पावर। इसे भी 10-10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल कर लें। अगर आपके कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, जांघ में दर्द हो रहा है तो उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। चौथी मेडिसिन का नाम है RPL 93 नंबर, जिसे कि सियाटिन एक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे 20-20 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल कर लें। यह मेडिसिन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हर प्रकार के सियाटिका की समस्या के लिए। पांचवी मेडिसिन सबसे पावरफुल मेडिसिन, जिसका नाम है रूमाटिक फ्रेश कैप्सूल। इसे 1-1 टेबलेट डेली लें और जब तक लेते रहें तब तक कि दर्द ना कम जाए, और दर्द कम जाए तो इस दवा को बंद कर दें और बाकी चारों मेडिसिन को आप लगातार 3 महीने तक प्रयोग करें। तो यह पांचों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसका प्रयोग अगर आप 1 से 3 महीना कर लेते हैं तो सियाटिका की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो एक ज़रूरी नोटिफिकेशन है कि अगर आपको यह मेडिसिन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैं आपको यह मेडिसिन डिलीवर करवा दूंगा, वो भी मार्केट से सस्ते रेट में। तो चलिए जानते हैं हम इसके डाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या सावधानियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना आप हरी साग सब्जियाँ, रेशेदार फल वगैरह खाएं और जितना हो सके उतना आप आराम करें और जितना हो सके उतना आप दर्द वाली जगह पे कॉटन ले लें
और कॉटन को चारों तरफ बांध दें और बांधे रखिएगा तो उसमें ठंडी असर नहीं कर पाएगा तो दर्द का अनुभव कम होगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।